नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मौसम में बार बार हो रहे परिवर्तन का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ठंड के बढ़ने से लोग वैसे ही परेशान थे और इसी बीच हार्ट और ब्रेन अटैक का खतरा अभी टला ही नहीं था कि इस बीच अब निमोनिया का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि कानपुर में निमोनिया से 5 मौतें हो गई हैं। दरअसल ये मौतें वायरल संक्रमण फैलने की वजह से हो रही है। रोगी संक्रमण से डरे हुए हैं, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसके चलते रोगियों में ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है और लोगों में संक्रमण से मौत का कारण बनता जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हार्ट और ब्रेन अटैक के बाद निमोनिया का अटैक, बदलते मौसम की बढ़ती बीमारियां, ठंड में बढ़ा निमोनिया का खतरा, वायरल संक्रमण से फैल रहा निमोनिया, निमोनिया ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां, बच्चों और बड़ों में अचानक गिर रहा ब्लड प्रेशर। क्या होता है निमोनिया? ये तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, चौंका सकती हैं। ये तस्वीरें आपके दिल को झकझोर कर रख देंगी। इन तस्वीरों को देखते ही हार्ट और ब्रेन दोनों में हलचल मच सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मौसम में हो रहे परिवर्तन की वजह से वायरल तेजी से फैल रहा है और लोगों की अस्पताल में लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं और अब तक निमोनिया की वजह से 5 लोग जान गंवा चुके हैं। शहर के कार्डियोलॉजी में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कानपुर के जाने माने हैलट अस्पताल में संक्रमित मरीज मिले थे। इलाज के दौरान 5 लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी हार्ट और ब्रेन अटैक से लोग जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि हार्ट और ब्रेन अटैक से लगभग एक हफ्ते में 124 लोग जान गंवा चुके थे। मौतों का सिलसिला जारी है, चाहे वो हार्ट अटैक हो या ब्रेन अटैक या फिर निमोनिया, लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। वहीं इन मौतों पर हृदय संस्थान में भी निमोनिया से संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं। वायरस संक्रमण के बाद रोगियों को निमोनाइटिस हो रहा है। हैलेट इमरजेंसी में ब्रेन अटैक के 8 रोगी भर्ती किए गए हैं। इसके साथ ही कार्डियोलॉजी में गंभीर हालत में आए हार्ट अटैक के 61 रोगी भर्ती किए गए हैं। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोगियों की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की इमरजेंसी में हार्ट अटैक के 120 रोगी आए हैं। इसके साथ ही 911 हृदय रोगियों का ओपीडी में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गंभीर हालत में 61 हृदय रोगियों को भर्ती किया गया है। जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं, शायद आप लोग में से कुछ लोगों को पता हो या ना भी हो, सर्दी की वजह से बड़े बुजुर्गों के साथ सर्दी में छोटे बच्चों को खांसी, जुखाम, बुखार और वायरल संक्रमण की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज्यादा समय तक हो तो ये परेशानी का कारण बन सकती है। इसमें लापरवाही बरतना घातक हो सकता है। आपको बता दें कि सर्दियों में ज्यादा नमी होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण तेजी से होता है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें इसका ज्यादा खतरा है। निमोनिया के लक्षणों को समय रहते पहचान कर इलाज मिल जाने से बच्चों को इस गंभीर बीमारी के खतरों से बचाया जा सकता है। लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस बदलते मौसम में छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतें। अगर कुछ लक्षण हो तो तुरंत अपना चेकअप कराएं। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।